वजह से जो बहू है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड में, बहुत परेशान है, आगे बन गई है ना जी। हाँ हाँ आइए हम देखेंगे कि एक सास जो है वो अपनी बहू को किस तरह परेशान करती है, क्योंकि उसकी एक बेटी हुई है इसलिए। अब क्या यही करती रहेगी, ऐसे ही देखती रहेगी? एक तो बेटी पैदा हुई है, ऊपर से ऐसे ही देखती रहती है, ना कुछ काम करती है, पहले भी नहीं करती थी, अब भी नहीं करती है। Before also you were not doing any work, and now you're just sitting and looking at her. That's the mother-in-law. That's the mother talking. She is not happy. जाओ इसे लेटाओ, इसे ही लेती रहती है, हमेशा काम नहीं करती बिल्कुल भी। Keep her aside and go and work. She's sweeping now. फिर बैठी उसी को लेके काम ना, मैं छोड़ दिया झाड़ू लगा Now again you have to sweep the baby up, do your work. अरे बच्चा रो रो नहीं ना, मैं तो सोचती थी कि इसके बेटा होगा, लेकिन इसकी बेटी हुई है, अब क्या करूं, वो भी सीएस से हुई है, मतलब ये कुछ काम कर आइए अब देखेंगे एक नर्स है जो विजिट करने के निकली है, उसने इस परिवार का माहौल इस तरह का देखा, तो वो कुछ इन लोगों को एडवाइस करना चाहती है। आप लोगों में ये झगड़ा कैसे हो रहा है, काम ही नहीं करती है, एक तो लड़की पैदा हुई है ऊपर से सीरियस हो गई। ये बच्ची इस तरीके से रो रही है, आपका ध्यान नहीं है इस बच्ची पे? जो हमारी सासू मां है वो टाइम नहीं देने देती। सो द नर्स इज सेइंग द बेबी इज क्राइंग सो बैडली, व्हाई डोंट यू लुक आफ्टर द बेबी। सो शी इज सेइंग माय मदर इन लॉ Ask me to work. She doesn't want me to spend time with the baby. तो आप इसकी केयर नहीं करती, इस बच्चे पे ध्यान नहीं देती हैं? करती हूँ लेकिन इतना नहीं करती। I try to do it but I don't give so much time. और आप अपने खाने पीने का ध्यान रखती हैं?
नहीं इतना ज्यादा भी नहीं. She's saying, are you looking? Am I taking good food? So she's saying not much. अभी आपका CS हुआ है तो आपको काम करने की भी जरूरत नहीं है. आराम करती हैं आप? नहीं, मेरी जो सासू माँ ने वो मुझसे ढेर सारा काम करा. She's saying you had operation. क्या बातें कर रही हो इससे? Do you get थोड़ी देर रुके आपसे बात है. हमारे घर में ऐसे आने की क्या जरूरत है बिना पूछे? So she has come. She's saying, what are you talking to her? So she said, I'm just talking to her about her. So she's saying, how did you come to her house? तू बुराई कर रही है बैठ के. She's saying you're talking against me. हम आपसे कह रहे हैं कि इसको आपको समझा रहे हैं. सासों माँ सुनिए कि ये बेबी अभी हुआ है, इनको आराम की जरूरत है. और डॉक्टर ने भी बोला है कि इसको बेबी को आराम देना और बेबी की माँ को भी आराम देना. तो आप देती हैं? कब तक काम करूँ मैं? पहले भी करती थी, अब भी करना पड़ता है मुझे. सो शी नर्स इज सेइंग दैट शी हैड ऑपरेशन एंड द डॉक्टर हैज सेड दैट शी शुड हैव गुड फूड एंड रेस्ट. मैंने भी तो काम किया था ऐसे ही. Mother-in-law is very angry. She is saying, how much rest can I give her? I worked before also and now also I have to work a lot. And in my for my delivery, after my delivery also I worked. So why can't she work? पहले आपके normal delivery हुई होगी, इनका CS हुआ है तो इनको problem होती है. आप उस बात को मत सोचिए, अभी की बात को सोचिए, आज के जमाने की. अरे ये काम ही नहीं किया ऐसे, नहीं तो सीएस तो होगा ही. मेरे तो ऐसे ही हो गया था नॉर्मली. बेटा तेरा तो शी सेइंग यू हैड अ नॉर्मल डिलीवरी बट शी हैड सिजेरियन सो देयर इज अ डिफरेंस. सो शी सेड शी हैड सिजेरियन बिकॉज़ शी डिडंट वर्क. पता है आप अभी इनको आराम नहीं करने देंगी. खाना पीना अच्छे से रखती हैं इनका? खाती तो है, मैं क्या इसके मुंह में घुस लूं? शी सेइंग यू नीड टू लुक आफ्टर अबाउट द फूड डाइट. शी सेइंग शी डज ईट. शुड आई पुट एवरीथिंग इन हर माउथ? शी इज अ वेरी बैड सास, वेरी बैड मदर इन लॉ. आपको पता है अभी जितना आप काम कराएंगी वो इनके लिए नुकसानदायक है. और अभी आप काम कराएंगी तो ये फ्यूचर में कभी काम नहीं कर पाएंगी अच्छे से आपका. तो अभी कुछ दिनों आप केयर करेंगी तो अच्छा है ना, जिससे कि आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आप इतना गुस्सा करेंगी तो माँ को भी प्रॉब्लम होगी. माँ को डिस्ट्रेस होने की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे बेबी के बिहेव में भी इफेक्ट पड़ेगा. If you make her work so much now, she won't be able to work later on. She'll fall sick. And then if you talk to her so rudely, she will be in distress. And this will affect the baby's behavior also and growth. Environment का baby पे बहुत effect पड़ता है. अच्छा माहौल होगा घर का तो बच्चा भी आपका अच्छा तंदुरुस्त बनेगा. So the environment does affect the baby. And if you make a healthy atmosphere, happy atmosphere, baby will grow better. अब आप लोगों को कुछ समझ में आया कि हमें क्या चीज है? तो ऐसा कि आप दोनों मिलके एक गाना गाएंगे. She's saying, could you understand anything? He said, yes. So she's saying, now you sing, both of you sing a song for the baby. ये आपकी बेटी है तो इसको इतना बुरा मत सोचिए और दोनों मिलके गाना गाएंगे. She's a girl, so don't think she's anything has gone bad. Both of you sit and sing. मैं भी तो एक बेटी हूँ, मैं भी एक नर्स बनी हूँ. तो ऐसे आप भी अपने बच्चे को अच्छे से केयर कीजिए, जिससे आगे केयर कीजिए और शिक्षा अच्छे से देना, जिससे आगे बढ़े. As a girl, and my parents made me study, and so you also can do the same with this baby. Hmm. चंदा तू सूरज है तू, मम्मी की आंखों का तारा है तू. चंदा है तू सूरज है तू, मम्मी की आंखों का तारा है तू. जीती हूँ मैं तेरे लिए, हंसती हूँ मैं. Yeah.
was the song? What are the words of the song? She sang, you are like a moon and star to me, and I live seeing you.